हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष पाल और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी वे में। आज हम देख रहे हैं इस वीडियो में चार प्रीपोजिशन के बारे में जानेंगे, इन, इनटू, ऑन और ऑनटू के बारे में। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं कि इनका यूज़ कैसे करा जाता है। तो सबसे पहले इनका जो यूज़ किया जाता है वह बड़े स्थानों, बिगर प्लेस के संदर्भ में किया जाता है। मान लीजिए कि आप भोपाल में रहते हैं और भोपाल एक बड़ी सिटी है और आप किसी को बताते हैं कि आप कहाँ रहते हैं तो आप कोई मोहल्ले का नाम नहीं बताते, आप बताते हैं सिटी का नाम। तो आप बोलोगे आई लिव इन भोपाल। अगर आप इसके अंदर किसी और जगह मोहल्ले में नाम बताना हो आपको या कोई ऐसा प्लेस जहाँ पे आप रहते हो तो आप उसके बाद एट का यूज़ करोगे। मान लीजिए अगर आप भोपाल में एमपी नगर में रहते हैं तो आप बोलोगे एट एमपी नगर, ठीक है। आई लिव इन इंडिया। अगर आप देश के बाहर हो, देश के बाहर आप कभी भी स्टेट या सिटी नहीं बताओगे, आप बताओगे कि आप इस देश के निवासी हो या इस देश से बिलोंग करते हो। तो आप हमेशा बोलोगे आई लिव इन इंडिया। तो इंडिया एक बड़ी कंट्री, एक बड़ी जगह है, एक देश है, तो आपको बताना पड़ेगा इन। तो आप यहाँ पे आपने यूज़ किया है प्रीपोजिशन इन का। ही लिव इन मध्य प्रदेश। वह कहाँ रहता है? मध्य प्रदेश में रहता है। माई मदर लिव इन मुंबई। मुंबई एक बड़ी जगह है, तो आपने यहाँ पे इन प्रीपोजिशन का यूज़ किया। जो अगला यूज़ है इनका, देखिए यहाँ पर इनका प्रयोग इनक्लोज्ड स्पेस के संदर्भ में होता है। इनक्लोज्ड का मतलब है कोई, यहाँ पे देखिए आप किसी, कोई ऑब्जेक्ट है वो किसी स्पेस के अंदर बंद है या उसके अंदर है, तब आप यहाँ पे इन प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे। मान लीजिए पहला ही सेंटेंस देखिए, आई एम इन द गार्डन। इसका मतलब है कि गार्डन उसके अंदर आप हैं, तो आपने लगाया इन। इन ये बता रहा है, आपकी लोकेशन दर्शा रहा है कि आप इसके अंदर हैं। ही इज़ इन द कार। मान लीजिए आप कार के अंदर है, तो आपने यहाँ पे इन प्रेपोजिशन लगाया कि वह कहाँ पर है। ही इज़ इन द कार, वह कहाँ पर है? कार के अंदर है। तो कार के अंदर है, तो ये कौन बताता है? ये बताता है इन, इसलिए प्रेपोजिशन। ही इज़ इन द रूम, वह कहाँ है? रूम के अंदर है। देयर इज़ द कॉइन इन द बॉक्स, तो जो कॉइन है वो किसके अंदर है? बॉक्स के अंदर है। तो ये जो अंदर, जब भी आप अंदर या इनक्लोज्ड स्पेस की बात होगी तो ये हमेशा इनके द्वारा बताया जाएगा। अगला जो इनका यूज़ है वो है, इनका प्रयोग मंथ, ईयर, सेंचुरी और लॉन्ग पीरियड के लिए भी होता है। जब भी आप मंथ, ईयर या लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की बात करेंगे तो आपको इन प्रेपोजिशन यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कोई भी मंथ का जो 12 मंथ है उसमें से कोई भी मंथ जब भी आप बोलते हैं, लिखते हैं, तो आपको उसके बाद पहले इन प्रेपोजिशन यूज़ करना पड़ेगा। इन में, इन समर, इन द समर, इन 1990, इन द 1990s या इन 90s, इन द नेक्स्ट सेंचुरी, इन द आइस एज, इन द पास्ट और फ्यूचर। जब भी इस तरह से आए तो आपको इन प्रेपोजिशन का यूज़ करना है। अगला जो इनका यूज़ है वो है, वह है पेशा और व्यवसाय को व्यक्त करने के लिए होता है। पेशा या व्यवसाय मतलब वो किस, कहाँ पे काम करते हैं या जॉब करते हैं। जैसे कि सी इज़ इन द आर्मी, मतलब कि वह आर्मी में है। राम इज़ इन द पॉलिटिक्स, मतलब उसका पेशा या व्यवसाय क्या है? पॉलिटिक्स। राम पॉलिटिक्स में, मतलब उसका पेशा क्या है? पॉलिटिक्स। सी इज़ द इन एजुकेशन, एजुकेशन मतलब हुआ शिक्षा के व्यवसाय में है। अब इन और इन से बना है इनटू। तो इनटू के भी वेरियस यूज़ हैं, लेकिन इनटू का यूज़ जो सबसे पहले किया जाता है वो देखिए कैसे किया जाता है, थोड़ा डायग्राम समझिएगा। मान लीजिए कोई चीज़ है और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट इसके अंदर आ रहा है, यहाँ पे अंदर आ रहा है विथ मोशन, मोशन होना ज़रूरी है। तो जब वह अंदर आ रहा है विथ मोशन, मोशन के साथ भीतर की ओर गति करता है, तब वहाँ पे आप इनटू प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे इनटू का प्रयोग मोशन इनसाइड एनीथिंग, किसी चीज़ की ओर गति के भाव को व्यक्त करता है। जैसे कि द फ्रॉग फेल इनटू द वेल, मतलब कि जो मेंढक है वो कुएं के अंदर गिरी, तो कुएं के अंदर गिरी तो जब गिरेगी तो मोशन के साथ वो इनसाइड गई है, इसलिए यहाँ पे इनटू प्रोपोजिशन का यूज़ किया गया। ही जम्प्ड इनटू द रिवर, कोई व्यक्ति है वह, उसने कहाँ पे छलांग लगाई है? नदी में, तो नदी ऐसे बहती हुई है उसके अंदर जा रहा है विथ मोशन, तो यहाँ पर हमने इनटू का यूज़ किया। द रोवर ब्रोक इनटू माय हाउस, ठीक है, तो यहाँ भी हमने इनटू का यूज़ किया। ब्रोक इनटू का एक्चुअली मतलब होता है, ये एक फ्रेजल प्रीपोजिशन वर्ब है, और ब्रोक इनटू मीन्स होता है तोड़कर घुसना, ठीक है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे।
अगला जो प्रीपोजिशन है वो है इनटू का प्रयोग एक माध्यम से दूसरे माध्यम अथवा एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन के लिए भी होता है। जैसे कि देखिए, जो वाटर है वो काय में बदल जाता है, सॉलिड में, ये लिक्विड से सॉलिड में बदल गया, मतलब कि यहाँ पे फेस चेंज हो गया। फेस चेंज हो गया है मतलब कि अवस्था चेंज हो गई है, यह द्रव अवस्था से सॉलिड में यानी ठोस अवस्था में परिवर्तित हो गया है, तो हम बोलेंगे वाटर टर्न इनटू आइस। और अगर आइस वाटर बन जाए तो आइस टर्न इनटू वाटर। तो टर्न इनटू मतलब यहाँ पे टर्न इनटू क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ इन्होंने अवस्था परिवर्तन किया हुआ है। आगे देखिए, मिल्क टर्न इनटू कर्ड, मिल्क जो दूध है वो कर्ड यानी दही में बदल गया, तो हमने यहाँ प्रीपोजिशन यूज़ किया है इनटू, तो मिल्क टर्न इनटू, टर्न इनटू मतलब कि इसने फिर से क्या किया है, अवस्था परिवर्तन किया है। दूसरा है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इनटू मतलब ये कोई पहले किसी और भाषा में होगा और उसे इंग्लिश में चेंज करना है, मतलब अवस्था परिवर्तन हो जाएगा, तो हमको यहाँ पर इनटू, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ठीक है। आगे देखते हैं, इनटू का प्रयोग वर्ब का प्रयोग के साथ करने पर ये फ्रेजल वर्ब बन जाता है। अब फ्रेजल वर्ब क्या होती है, देखिए यहाँ पे इनटू और ये वर्ब, इनके साथ यहाँ पर वर्ब लग गया तो ये फ्रेजल वर्ब्स हो जाती हैं, और जब ये फ्रेजल वर्ब हो गई तो इनका मतलब पूरी तरह सर्वथा भिन्न हो जाता है। जैसे ब्रेक इनटू, इसका मतलब होता है जबरदस्ती प्रवेश करना या तोड़ कर घुस जाना, ईट इनटू नष्ट करना, लुक इनटू जांच करना, टर्न इनटू अनुसरण करना, और सी इंटू, शी इंटू यानी विचार करना, सॉरी ये सी एस एच ई वाला नहीं है, ये डबल ई वाला, शी इंटू होगा इसका। अब एक एग्जांपल देखिए, द पुलिस लुक इंटू द केस, इसका मतलब हुआ है, लुक इंटू का मतलब ये फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब बदल चुका है, द पुलिस लुक इंटू द केस का मतलब है पुलिस उस केस की जाँच कर रही है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं ऑन का यूज़। तो ऑन का यूज़, ऑन का प्रयोग डे और डेट, दिन व तारीख को अभिव्यक्त करने से पहले किया जाता है। तो दिन और तारीख जब भी आए उससे पहले आपको ऑन प्रेपोजिशन का यूज़ करना है। जैसे कि संडे मंडे जो भी डे आएंगे उससे पहले ऑन, जैसे ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन 6th मार्च, ऑन 25th जनवरी 2007, तो यहाँ पे जो डे हैं उससे पहले हमने ऑन का यूज़ किया है और डेट के पहले भी हमने ऑन का यूज़ किया है। जैसे क्रिसमस डे, इंडिपेंडेंस डे, बर्थडे, इन सब के पहले यहाँ पे हमने ऑन का यूज़ किया हुआ है। तो याद रखिए, डे और डेट्स इसके पहले आपको हमेशा ऑन का यूज़ करना है। एग्जांपल देखिए, वेयर विल यू बी ऑन इंडिपेंडेंस डे, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे की बात की गई है इसलिए यहाँ पे ऑन प्रपोजिशन यूज़ किया है। डू यू वर्क ऑन संडे, यहाँ पे देखिए संडे एक डे है, इससे पहले हमको ऑन प्रपोजिशन का यूज़ करना पड़ेगा। दूसरा है ऑन का प्रयोग, यहाँ पे थोड़ा डायग्राम देखिए, ऑन का प्रयोग हमेशा ये बताता है कि कोई चीज़ है और ये कोई चीज़ के ऊपर यानी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर दूसरा ऑब्जेक्ट रखा है और वो उसके सरफेस को टच कर रहा है, तो इसे बताने के लिए भी ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाएगा। जैसे ऑन द सरफेस, ऑन द रूफ, अब एग्जाम्पल देखते हैं, देयर आर टू बुक ऑन द टेबल, जो दो बुक रखी हुई कहाँ पर है, टेबल पर, तो टेबल पर रखी, ना अंदर रखी है ना नीचे रखी है, आप ऑन ये बता रहा है कि उसके ऊपर उसकी सतह को टच कर रही, यहाँ पे रखी हुई इसकी सतह से टच कर रही। द हेडमास्टर इज सिटिंग ऑन द व्हील चेयर, ऑन द व्हील चेयर मतलब उस पर वह बैठा है, उस पर बैठा, ना कि उसके अंदर बैठा है, उसके साथ बैठा, ऑन ये बताता है कि उस पर बैठा है। दूसरा जो ऑन का प्रयोग होगा, ऑन का प्रयोग के विषय के संबंध में होता है, जैसे कि दिस बुक इज़ ऑन द इंग्लिश ग्रामर, यह बुक किसके विषय में है, तो ये इंग्लिश ग्रामर के विषय में है। दिस बुक इज़ ऑन द सुभाष चंद्र बोस, यह बुक किसके बारे में है, तो ये सुभाष चंद्र के बारे में है, तो यहाँ पे भी आपको ऑन का यूज़ करना है। अगला जो है ऑन से ही बना है ऑन टू, ऑन और ऑन से बना ऑन टू, और ऑन टू और अपॉन, इन दोनों को हम अल्टरनेटिव तरीके से यूज़ कर सकते हैं। देखिए, एक सब्जेक्ट का गतिशील अवस्था से दूसरे सब्जेक्ट या वस्तु के ऊपर आ जाना, जैसे मैं आपको यहाँ देखिए, ये कोई वस्तु है और अगर इस वस्तु के ऊपर कोई वस्तु
गतिशील अवस्था मोशन के साथ इसके सरफेस पे आती है, ना कि अंदर आती है। इनटू जब लगा रहे थे जब सरफेस इसके अंदर आ जाती थी, ऑनटू तब लगाएंगे जब इसके सरफेस के ऊपर रहे, सिर्फ और सिर्फ सरफेस के ऊपर रहे। जैसे यहाँ पे देखिए पहला एग्जांपल, ही विल जंप ऑन टू टेबल। ऑन टू द टेबल का क्या मतलब होगा, उसने कहाँ पे जंप किया, टेबल पर, ना कि टेबल के अंदर। तो यहाँ पे हमने ऑन टू प्रोपोजिशन यूज़ किया इसके सरफेस पे। ही विल जंप इन टू द फ्लोर। वो जैसे मान लीजिए फ्लोर नीचे है, वो ऊपर से कूदा होगा तो कूद के नीचे आया, तो जैसे ही कूदा तो उसमें मोशन हुआ और मोशन के साथ वो कहाँ पे आया, फ्लोर के ऊपर सरफेस पे टच किया, इसलिए हमने यहाँ पे ऑन टू का यूज़ किया है। आप इसकी जगह अपॉन का यूज़ भी करते तब भी सेंटेंस सही होता। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको इन टू, ऑन और ऑन टू का यूज़ समझ में आया होगा। आपको इसको कैसे यूज़ करना है यह आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। आपका इस वीडियो के लिए, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।